Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So, this is your second lecture. Last two lecture talks, we have been talking about who was Mustafa Kamal. The Mustafa Kamal, who was he? उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री के हीरोज के बारे में पढ़ा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा, लुईस बास्टर के बारे में पढ़ा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने जो पेंसिलिन थी वो कैसे डिस्कवर की थी, वैसे ही हम लोगों ने लुईस बास्टर में पढ़ा कि उन्होंने जो जर्म्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया था, कैसे डिस्कवर किया था और उनसे निमटने के लिए उन्होंने क्या हिम्मत सारे जान दी थी वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल को स्टार्ट किया, फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिए। मैंने आप लोगों को बताया कि मुस्तफ़ा कमाल तुर्की के जो सदर थे उनको कहते हैं कि पहले जंग अजीम के बाद तुर्की को शिकस्त हुई थी और वहाँ पर जो इतिहादी जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर मुस्तफ़ा कमाल की जेर क्यादत तुर्की की आज़ादी के लिए जदोजहद जो की थी वो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। एंड कुछ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि फर्स्ट पार्ट में इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि जंग अजीम के बाद कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मुस्तफ़ा कमाल थे उन्होंने अपने कंट्री में जो इस्लाहात की वो कैसे नाफिस की थी वो हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ना है। हम लोगों ने स्टार्ट किया कि जो जंग अजीम है वो ख़त्म हो चुकी थी, जितने भी जमहूरी मुल्क हैं उन्होंने अपनी आर्मीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जीतने वाले थे बल्कि इसलिए कि उन्होंने जंगों से उनकी निजात दिला दी है। जो तुर्क लोग थे वो खुद भी खुश थे कि एट लास्ट जो है वो ख़त्म हो गई। इनफैक्ट वो इनको शिकस्त हुई थी लेकिन फिर भी अब वो खुश थे कि हम लोग एटलीस्ट जो जंग है वो तो ख़त्म हुई। 1911 से जो लड़ रहे थे जंग को एटलीस्ट एट लास्ट ख़त्म हो गई। उसके बाद वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बनाई थी ब्रिटिश जो कंपनी थी वो एम्बेसी जो थी वो चेंज हो गई थी ब्रिटिश हाई कमीशन में। फिर उसमें उनकी किसकी मदद हासिल थी, फौजी दस्ते की भी और बहरी दस्ते की भी, कि जो बहरी आप लोगों को बताया कि जो कश्ती के रास्ते होते हैं जो कश्ती एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो भी उनकी मदद करते थे। एंड जो वहाँ पे फौजी लोग थे मिलिट्री डिटैचमेंट थी वो भी उनकी मदद के लिए जो थे वो दिए गए थे। जो अलाइड के ऑफिसर्स थे जो ऑफिसर्स थे वो ही निगरानी कर रहे थे पुलिस की भी, उसके बाद जो फोर्स थे उनकी भी। ऐसे ही जो इतिहादी जो है उनको सजेशन देते थे और यही अलाइड फोर्सेस का ही तकरीबन वहाँ पे निज़ाम जो है वो राइज हो चुका था। देन हुआ क्या था कि वहाँ पे एक मशरकी हिस्सा था अनातोलिया में, वहाँ पे एक शख्स था जिसका नाम था क्यास। उसने कुछ अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर उनकी उनके आगे जो इतिहादी फौज थे अलाइड फोर्सेस के आगे रुकावटें डालने की कोशिश शुरू कर दी कि जो वो वाजिया था कि वहाँ के जो फोर सोल्जर जो क्यासिम के साथ हैं वो नडर हो चुके हैं और वो मुकाबला करने की हिम्मत वो हिम्मत रखते हैं। सो क्या हुआ कि जो अनाटोलिया की स्ट्रेट्स थी वहाँ पे जो रवैया था लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका। फिर इन सब से निपटने के लिए जो इतिहादी फौजी थे उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनको हैंडल कर सकता, और जब ऐसी सूरत हाल में किसी एक इंसान की ज़रूरत थी जो ये सारी सिचुएशन हैंडल कर लेगा तो सबके जहन में एक ही लफ्ज़ आया था
था, लेकिन फिर उनके सारे इतराजात जो है वो रद्द कर दिए गए। फिर इनकी कमान मुस्तफा कमाल पहली रास्ते से होता हुआ ब्लैक सी में उतरा। वहाँ पे फिर वहाँ पे जो लोग थे, अथॉरिटीज थी, वो मशकूक हो गई इसके इरादे को लेकर। उन्होंने इसको रोकना चाहा, बट उनको रोकने के लिए ये बहुत देर हो चुकी थी कि वो अब इसको रोक नहीं सकते थे। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम लोगों ने बेटे स्टार्ट करना है सेकेंड थर्ड पैराग्राफ से। द वेरी सेम डे, उसी दिन, इट बिकेम क्लियर। क्लियर कहते हैं वाजे हो जाना, बी बियॉन्ड ऑल डाउट, कि बिना शको शोभा कि ये बात वाजे हो चुकी थी। दैट द एलियस हैड कंडम्ड, कंडम कहते हैं सजा का फैसला सुना चुका, कि वो जो एलियस हैं वो सजा का फैसला कि जो उस्मानिया सल्तनत है उसको तकसीम किया जाए। तो द वेरी वॉल्स ऑफ इस्तांबुल, के इस्तांबुल में दीवारें खड़ी करके जो उस्मानिया खिलाफत है उनको तकसीम कर दिया जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की जब पार्टीशन हुई थी, जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई थी, तब कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आया था, कुछ जो है वो इंडिया में रहा था। वैसे ही वॉल जो है, पहले जब पाकिस्तान बनना था, इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थे उन्होंने होना था, तो तय किया गया था कि ये एरिया पाकिस्तान की तरफ जाएगा और ये इंडिया की तरफ जाएगा। और इसी पर बहुत सी वॉर्स हुई थी, एंड स्टिल कश्मीर का जो मसला है वो वहाँ पर ही है। ऐसे ही फिर यहाँ पे जो इत्तेहादी फौजी थे उन्होंने फैसला किया कि जो इस्तांबुल है उसको पार्टीशन में डिवाइड किया जाएगा, पार्टीशन उसकी की जाएगी, वहाँ पे वॉल्स बनाए जाएंगे ताकि उस्मानिया जो खिलाफत है, उस्मानिया जो सल्तनत है, उसको अलग किया जा सके। ऑन द 15th ऑफ मई द एडमिरल ऑफ द ब्रिटिश मेडिटेरेनियन फ्लीट, फ्लीट कहते हैं बेरा, इन्फॉर्म के जो एडमिरल था ब्रिटिश बेरे का, उसने मतला दिया, इन्फॉर्म किया द ऑटोमन गवर्नर ऑफ इज़मीर, इज़मीर के उस्मानिया गवर्नर को इन्फॉर्म किया दैट दिस ग्रेट सी पोर्ट, कि ये जो एक अजीम बंदरगाह है, एंड द रिच, रिच कहते हैं जरदेज को, रिच वैसे तो अमीर को कहते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हम लोगों के पास चीज़ें होती हैं उसको भी कहते हैं रिच। प्रोविंस, प्रोविंस कहते हैं सूबा, अफाई जी वर्ट टू बी ऑक्यूपाइड बाय द विलेज, के जो सूबा है एक सी फोर फोर जो आईजी का सूबा है इसके ग्रीक यूनानी लोगों के कब्जे में जाएगा। दी ओटोमन ट्रूप्स वर्ट, ट्रूप्स कहते हैं दस्ते को, वर्ट हरिडली विथड्रॉन, हरिडली जल्दी से विथड्रॉन, वापिस बुला लेना इन टू बैग्स, पेड़ को में के जो उस्मानिया असला था उनको जल्दी से वापस बुला लिया गया पेड़ को में, एंड द ग्रीक्स मेट्रोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन कहते हैं पादरी को, ट्रेस ब्लन खर्दी द क्रीज द क्रॉस, क्रॉस कहते हैं स्लीप को, जो क्रिश्चियंस का जो निशान होता है उसको बोलते हैं क्रॉस स्लीप। और जो ग्रीक इसके लोग थे, फिर जो उस्मानिया सल्तनत के लोगों को भी वापस बुला लिया गया जल्दी से, और जो ग्रीक्स के लोग थे, पादरी थे, उसने भी असलीब जो है वो लोगों को दिखा दिया। आज द फर्स्ट ग्रीक सोल्जर डिसएम्बार्क्ड, डिसएम्बार्क कहते हैं उतरना, कि जब पहला सिपाही जो है जहाज से उतरा तो उन्होंने भी जो असलीब का निशान है उनको दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट इज टू ऑल टर्किश पैट्रियट्स, पैट्रियट्स कहते हैं मुहिब्बे वतन को। दीज इवेंट्स मैंट के जो तुर्की के मुहिब्बे वतन थे, दीज इवेंट्स, इवेंट्स कहते हैं वाकयात को, इन वाकयात के नज़दीक ये जो मुहिब्बे वतन थे तुर्की लोगों के, उनके नज़दीक ये जो सारे वाकयात थे उनका मतलब था दैट देयर वाज ओनली वन पॉलिसी, पॉलिसी कहते हैं हिकमत अमली को, कि सिर्फ अब एक हिकमत अमली है टू बी परस्यूड, परस्यूड कहते हैं पैरवी करना, कि इसकी सिर्फ हिकमत अमली एक ही चीज़ है कि उनकी पैरवी की जाए। इवन दोज
मोस्ट फ्रेंडली, फ्रेंडली कहते हैं मिलनसार, टू द एलियंस हु आर इंफ्यूरिएटेड, इंफ्यूरिएटेड कहते हैं गुस्सा हो जाना, आग बोल हो जाना, अतः कि जो लोग एलियंस के साथ जो इतिहादी फौजी थे उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका दोस्ताना संबंध था, वो भी गुस्से में आ गए क्योंकि जो तकसीम हो रही थी इस्तांबुल की उसकी वजह से, ये जो इस्तांबुल की तुर्की की जो पार्टीशन हो रही है कुछ ग्रीक्स को दी जा रही है एंड कुछ उस्मानिया सल्तनत को दी जा रही है जो कि तुर्की के लोगों के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था। By this foreign, foreign कहते हैं गैर मुल्की, occupation कब्जा of the richest and most essentially, essentially कहते हैं बुनियादी तौर पर तुर्की शॉकियर प्रोविंसेस, ये वो सोचते थे कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इसी गैर मुल्की का कब्जा अपने मुल्क पर, कि वो सोचते थे कि तुर्की सिर्फ उनका है। Turkish patriotism, patriotism कहते हैं मुगल बत्ती, was no longer vague and undecided, undecided कहते हैं गैर वाजिब। अब जो वहाँ पे जो मुगल बत्ती थी तुर्क लोगों की वो गैर वाजिब हो गई थी, इट वॉज अ फ्लेम बर्निंग इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है, एक शोला था जो जल रहा था आदमियों के और औरतों के दिलों में, अ फ्लेम ऑफ इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन कहते हैं गुस्से का, किस चीज़ का शोला था, गुस्से का शोला था, नॉट ऑफ हेटर, नफरत का नहीं था, सिर्फ गुस्से का था, और गुस्सा भी इसलिए कि उनकी जो अपनी सरजमीन है वो किसी गैर को दी जा रही है। Even during cruel wars, the Turks and the Greeks were never hating each other, हत्ता के इतना ज़्यादा बुरा जो बुरी जो वार थी तुर्क के और ग्रीक के, तब भी एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे थे। एंड अमंग द ग्रीक्स देयर वाज बिटर एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म कहते हैं जोश और खरोश को, फॉर द एवेंचुरियन एडवेंचर, एडवेंचर कहते हैं मुहिम जोए करना, यहाँ तक कि जो ग्रीक्स थे उनमें जोश और खरोश था कि वो एनाटोलियन की जो मुहिम है उसको जान सकें। अब मैग्निफिशेंट ग्रीक, मैग्निफिशेंट कहते हैं अजीम को, ग्रीक लॉयलिस्ट ऑफिसर नोन मेटिकस प्रोटेस्टेड कि उसने इत्तेजाज किया, एक अजीम अजरीक ने इत्तेजाज किया स्ट्रॉन्गली अपनी गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट के साथ, बट द इन्वेशन कंटिन्यू, लेकिन जो हमला था इन्वेशन कहते हैं लश्करकशी हमला जो था वो जारी रहा। इट इन अ हैवी स्टॉर्म मुस्तफा कमाल्स ने अ स्मॉल शिप स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कहते हैं लड़खड़ाना, कि एक अजीम जो तूफान आ रहा था उसकी जो मुस्तफा कमाल की शिप थी वो लड़खड़ा रही थी टुवर्ड्स द लैंडिंग स्टेज, लैंडिंग स्टेज उसको कहते हैं जहाँ पर उन्होंने लैंड करना होता है, ठीक है, जहाँ पे लैंड करना होता है, उतरना होता है जहाज को, उसको कहते हैं लैंडिंग स्टेज, कि जब वो लैंडिंग स्टेज की तरफ जा रहे थे तो मुस्तफ़ा कमाल की जो कश्ती है वो लड़खड़ा रही थी। आर सैमसन ऑन द कोस्ट ऑफ एनाटोलिया, एनाटोलिया के साहिल पर, एट अमीसा ही मेट अली फोर्ट, अमीसा के मुकाम पर वो अली फोर्ट से मिला, द कमांडर ऑफ अ स्मॉल आर्मी कॉर्प्स, कॉर्प्स कहते हैं फौजी दस्ते को, कि एक कमांडर था फौजी दस्ते का सेंटर, सेंटर कहते हैं प्राउड डाले होना, और अंकारा वहाँ पे अपना प्राउड डाले हुए थे अंकारा में, एंड एट अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पैट्रियट्स, कहते हैं मीटिंग कहते हैं मिलना, सीक्रेट खुफिया, अब ये दोनों जो कमांडर और मुस्तफ़ा कमाल की जो मीटिंग हुई थी वो खुफिया थी, ही स्केच्ड आउट, स्केच आउट कहते हैं तैयार करना, हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते हैं मज़ाहमत, कि उन दोनों ने जो मज़ाहमत का जो प्लान था वो वहाँ पर तैयार किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरीला, गुरीला कहते हैं छुप कर हमला करने वाले को, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा गुरीला फोर्स, गुरीला फोर्स एक्चुअली उनको कहते हैं जो छुप कर हमला करते हैं, बैंड्स बैंड्स कहते हैं दस्ते को, मस्ट होल्ड अप द ग्रीक्स, कि सबसे पहले जो गुरीला दस्ता था जो छुप कर हमला करने वाले दस्ते थे उन्होंने रोकना था ग्रीक्स को, एंड कवर्ड बाई दीज इरेगुलर्स,
रेगुलर्स कहते हैं बेतरतीब, द पेटियस मस्ट बिल्ड अप द नेशनल आर्मी, और इन्हीं की वजह से जो बेतरतीब दस्ते थे उन्होंने मेहबूब वतनों ने सारा एक नेशनल आर्मी तैयार की थी, बट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम मेहमद झाइरी और एनी वन एट इस्तांबुल, लेकिन किसी भी इस्तांबुल के जो लोग थे उनकी हेल्प के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आज द सुल्तान, क्योंकि जो सुल्तान था एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन एनिमी हैंड्स, क्योंकि जो सुल्तान था और जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल एरिया था वो सारा दुश्मनों के हाथों में था। वी मस्ट सेट अप सम टेम्परेरी गवर्नमेंट इन एनाचोलिया, फिर उसने बोला कि हम लोगों को एक आर सिटीजन की गवर्नमेंट जो है वो एनाचोलिया में बनानी पड़ेगी। ही कंटिन्यू अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, डेलीगेट्स कहते हैं नुमाइंदे, टू रिप्रेजेंट करना, नुमाइंदगी करना। द रियल फ्री टर्की शुड बी कॉल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, के हकीकी और आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी करने के लिए नुमाइंदों का अजलास जितनी जल्दी मुमकिन हो बुला लिया जाए। ओके गर्ल्स, यहाँ पे हम लोगों का आज का लेक्चर खत्म हुआ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।